हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग केतन मनसिया ब्लॉग। और आज मैं जौनपुर में आया हूं और जौनपुर में आपको कुछ किला दिखा देता हूं। चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते रहिए। आगे हम दिखाते हैं। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एक निशानी रहती है। कोई भी राजा अगर कोई भी चीज़ किला बनाता है तो उसमें कुछ निशानी छोड़ता है। तो ये अपना साइन बोर्ड, मैंने यहाँ पर अपना साइन बोर्ड दिया हुआ है, आगे आप देख सकते हैं। चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं। और ये पहला आपको एंट्री, इस टाइप का एंट्री गेट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट ले लेना है, 20 रुपये पड़ेगा। अगर कैश में लेना चाहते हो तो 25 रुपये का पड़ता है, लेकिन बट वो विंडो बंद है। तो आपको 20 रुपये ऑनलाइन टिकट मिल जाता है और फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़। चलिए भैया जी को टिकट दिखाते हैं मोबाइल में, तो नंद चलते हैं। और फर्स्ट गेट से एंट्री करते ही कुछ इस तरह का लुक आपको नज़र आएगा। सामने आप देख सकते हैं इतना ऊंचा दीवार और ये कितना बढ़िया लुक नज़र आ रहा है इधर से किले का। चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बगल में आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर का भी सुविधा दिया गया है। और जहाँ रुपए लिया जा रहा है तो वहाँ तो मेंटेनेंस तो होता ही है। यूनिवर्सिटी देखिए, गार्डन आगे का भी गार्डन आप देख सकते हैं इस तरफ से। इस किले की ऊंचाई और जो गेट है इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। पीछे साइड से ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा बंद कर रखा है, नहीं तो हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं, लेकिन बट ऊपर का रास्ता बंद है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। किला का एरिया कुछ ज़्यादा बड़े में नहीं है, छोटे एरिया में दिख रहा है। और एक ये चीज़ जो सामने दर्शक दिख रही है, इसमें चलते हैं। इसमें चलने के लिए मेरे को लगता है इधर जाने होगी। सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये एक मस्जिद है जो फिरोज खास शाह के भाई इब्राहिम नाबी बारबक ने बनाया था। और ये जो बनाया था 1376 में बना था, इसको बनवाया गया था 1376 में ये मस्जिद बनाया गया था। और ये बनाया गया किसके हाथों द्वारा? मस्जिद फिरोज शाह के जो भाई थे इब्राहिम नायब बारबक ने बनाया था। ये पुलकी हमाम है, ये इस हमाम यहाँ पे नहाने वहाने के लिए यूज़ करते थे। और तुलकी स्टाइल में, मुगल के टाइम पे बना था ये तुलकी स्टाइल में, हम देख सकते हैं। इसके नीचे एक गड्ढा दिख रहा है, देख ले क्या है इसके नीचे। ये स्नान करने के लिए था, इसमें बैठ के नहाते थे, पानी आता था यहाँ से। देखिए पानी का बनाया गया है, ऊपर देख सकते हैं हवा हवादार है, पूरा हवा आता है इसके अंदर। पानी का पूरा बनाया गया है यहाँ पे बैठ के अंदर नहाने का, और एक मज़ा है। बुलबुलैया टाइप का है, गिर जाने में थोड़ा डर लग रहा है। देख सकते हैं इधर से भी एक रास्ता गया हुआ है, एक रास्ता इधर देख सकते हैं, इधर से हवा क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है। इस तरफ देख लेते हैं, ऊपर देखते रहिए, ऊपर भी देख सकते हैं हवा के लिए एकदम पूरा छेद है, जिसमें कभी पूरा हवा ठंडी ठंडी हवा आ सकती है यहाँ पे। और ये पानी, ये सोर्स पूरा पानी का है, इधर से पूरा बंद है। यहाँ से पूरा पानी आता था, साइड देखना दिख रहा है, पूरा पानी आता था यहाँ पे। आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी मेरी।
यहाँ पे सिपाही खड़े रहते थे, सिपाही का पोस्ट बना हुआ है यहाँ पे, सिपाही वगैरह खड़े रहते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जाने का, ये भी एक जगह है जहाँ से रोशनी, सूरज की रोशनी आती है यहाँ पे, यहाँ पे भी बैठ के नहाया जा सकता है। इधर से भी आप देख सकते हैं ऊपर से सूरज की रोशनी वगैरह आती है, इस पर नीचे बैठ के नहाया जा सकता है। ये ताकि दिए यहाँ पे दिए हुए जलने के लिए, वैसे तो यहाँ पर दिए। यहाँ से भी पानी आके उसमें नहाने का बैठ के नहाते थे। ये पूरा सेंटर पॉइंट है बीच में यहाँ पे पूरा हुआ। शयन कक्ष था, इसमें अंधेरा है तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। पूरा बंद एरिया है, यहाँ से ही पानी एक छोटा सा दिख रहा है रास्ता, रास्ता देख सकते हैं जाने का। हवा जाती है, यहाँ पे भी जल का स्रोत रहता, ये दे सकते हैं नीचे नहाने के लिए। ऊपर पूरा वेंटिलेशन का है, पूरा लाइट वगैरह, दिन में कोई ज़रूरत ही नहीं है लाइट की, भरपूर मात्रा से लाइट आ रही है। इस कक्ष में सिपाही, ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारों से ईंटों के, बड़ी बड़ी ईंटें यूज कर सकते थे यहाँ, करते थे पहले उस जमाने में, देख सकते हैं आप। यहाँ से भी उजाला आ रहा है ऊपर, पूरा वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है पूरा। इसमें कहीं में भी आपको गर्मी का महसूस नहीं हो रहा है, एकदम ठंडक लग रहा है पूरा, पूरा जहाँ एकदम ठंडक है, पूरी ठंडी लग रही है यहाँ पे। ये हमाम आप देख सकते हो, तुलकी का हमाम जो लुक है एकदम तुलुकी टाइप के लुक में है, लेकिन इसको मुगल के टाइम पे बनाया गया था। अब इसके अंदर तो अब मैं आपको दिखा दिया किस तरह पूरा ऊपर से नीचे तक, अब पूरा वेंटिलेशन है ऊपर से, पूरा जितना दिख रहा है आपको वहाँ तक पूरा हवा और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है इसके अंदर, और पानी की भी कोई कमी नहीं है। पानी आता है वहाँ से, ये लोग नहाते थे रानी उस टाइम के ये नहाने के लिए बनाया गया था। ये जो किला है आपको गोमती नदी की बाई तरफ में है, और आप उस सामने आप वो ब्रिज दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं शाही ब्रिज। ये शाही ब्रिज है, ये शाही ब्रिज है आप देख सकते हैं। अभी अब हम जाएंगे शाही ब्रिज का भी फ़ोटो निकालेंगे, और इसका भी वीडियो बनेगा शाही ब्रिज का। बहुत पुराना ब्रिज है, इसको भी ये नेपाल में जब हमारे टाइम जब वो 1973 में आई थिंक 1937 में जो भूकंप आया था नेपाल है, भारत में जो भूकंप आया था, तो उसमें ये टूट गया था, तो इसको फिर कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका, तब से चल रहा है। बहुत पुराना ब्रिज है, और ये कम से कम माना जाए तो ये 300-350 साल पुराना ब्रिज है। आसपास आप देख सकते हो गुमती जो बनी हुई छोटी छोटी, वहाँ पहले दुकानें, अभी दुकानें हैं, दुकान होती, दुकानें थी उस टाइम,
अभी पता नहीं क्या है, मैं तो अभी आया हूँ तो देख लेते हैं उस तरफ क्या है, उस तरफ देखेंगे उस ब्रिज को। और ये नदी देख रहे हैं सामने, ये गोमती नदी है, इसका पानी बड़ा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। ये लुक देखिए, तुलकी हमाम का लुक देखिए किस तरह दिख रहा है, एकदम तुलकी स्टाइल में बना हुआ है। इसी के अंदर का मैंने वीडियो दिखाया था आपको अंदर का।